नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। अब खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान आज यानी शनिवार को संपन्न हो गया है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान कराया गया। बता दें कि इन सीटों पर कुल 879 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। जिन सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, हरियाणा के चौटाला परिवार के 3 सदस्य और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ की भी सीटें शामिल है। पीएम मोदी पटना पहुंचे हैं, जहां पीएम ने काराकाट में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और बक्सर में बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। इन तीनों जगहों पर एनडीए ने पीएम की जनसभा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मंच पर पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को प्रणाम किया। उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आपका उत्साह देखकर लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खाकर आए हो। मनेर का लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत बढ़ी है। आप लोग 4 जून के लिए मनेर के लड्डू तैयार रखिए। बता दें कि चुनाव के नतीजों का एग्जिट पोल चालू हो गया है। एनडी गठबंधन वाले सोते जागते एनडीए को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब है एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है और 4 जून को पाटलिपुत्र एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। गाजीपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की सबसे बड़ी चुनावी सभा शनिवार को हुई है, जहां जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। यह सभा 1 लाख क्षमता वाले आरटीआई मैदान में हुई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा एक मंच पर सहयोगी दल के बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी शामिल रहे। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया है। सीतापुर के थाना संदना का मामला सामने आया है, जहां बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि उपाध्यक्ष संदना मनीष अंकवर्षी पर बांके से कई बार सर पर वार किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब उपाध्यक्ष दुकान में मौजूद थे। तभी हमलावरों ने इस मौके वारदात को अंजाम दिया और दुकान के अंदर घुसकर वार किया। बता दें कि यह हमला मंडल उपाध्यक्ष का आरोपी खेउटा रामपुर के अज्ञात ने धारदार हथियार से किया है। दिल्ली में छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इसी के बीच आपके प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट अपने उम्मीदवारों से जुड़े पैम्पलेट पोलिंग बूथ के अंदर ले जा रहे हैं। सोमनाथ भारती ने बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की प्रचार सामग्री मिलने पर मतदान अधिकारी से एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सुबह से मतदान जारी है, पर बूथ पर यह सब क्या हो रहा है? इंसानियत से बड़ा कुछ है या नहीं? मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि हर पोलिंग एजेंट के पास प्रचार सामग्री उपलब्ध है। सोमनाथ भारती ने चुनाव अधिकारियों से कहा कि मतदान केंद्र के अंदर उम्मीदवारों के पर्चे ले जाने की इजाजत किसने दी है, वो भी बिना किसी डर के और बेशर्मी से। उसे प्रदर्शित भी किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की मतदान के चलते संगम विहार के सरकारी स्कूल पर साउथ दिल्ली के ट्रांसजेंडर कैंडिडेट राजन सिंह ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली के किसी भी बूथ पर ट्रांसजेंडर के लिए अलग से लाइन नहीं बनाई गई है। इसी के चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। मौके पर दिल्ली पुलिस मौजूद रही, जिसने यहाँ एकत्रित लोगों की भीड़ को हटाया और मामले को शांत कराया। कानपुर के चर्चित इरफान सोलंकी मामले में एक नया मोड़ आया है। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ने केश की वादी नाजिर फातिमा के द्वारा लगाए गए आरोपों को असत्य और निराधार बताया है। उनका कहना है कि कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन जानबूझकर नाजिर फातिमा गलत आरोप लगा रही हैं। दरअसल इस मामले की वादी नाजिर फातिमा की बेटी कनीज जायरा ने मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा कि उनके लोग नाजिर फातिमा
और उनके परिजनों को लगातार धमकियां दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। नाजिर की बेटी कनीज जायरा का यह भी आरोप था कि इरफान और रिजवान जब कभी भी पेशी में आते हैं तो यही कहते हैं कि इंसाफ होगा और बरी होंगे। इस बात पर भी कनीज ने सवाल उठाए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित, इरफान की मां ने कहा कि इरफान और रिजवान जेल में बंद हैं तो कैसे किसी को धमकी देंगे और परिवार द्वारा किसी से कोई बातचीत नहीं की गई है। परसों हमने एक बयान देखा था तो उसमें जो हमारे परिवार पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम किसी को धमका रहे हैं या गवाह जो वादिनी है उनको हम धमका रहे हैं, तो बिल्कुल उनका सरासर हम इनका काउंटर करते हैं उनकी जो उन्होंने बोला है उसका। पहली बात तो हम लोगों से ज़्यादा क्या वो परेशान है, पिछले 18 महीने से दो दो हमारे घर के सदस्य जेल में हैं और सफ़र हम कर रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। वो तो एटलीस्ट अपने बीवी अपने बच्चों के साथ है, अपने उनके बेटे बेटियां सब घर में हैं, उनका पूरा परिवार साथ में है, तो उनको क्यों धमकाएंगे, उनको हम क्यों परेशान करेंगे, जो हम लोग खुद हम लोग परेशान हैं इस वक्त, तो हम क्यों किसी को धमकाएंगे। और उनसे कहें सब्र रखे, भरोसा रखे ऊपर वाले से, न्यायालय पे भरोसा रखे, सब्र का वक्त हम लोगों का मजबूत हुआ आप भी रखें इंशाल्लाह, अगर वो सही होंगे तो इंसाफ उनका, नहीं तो इंसाफ विधायक जी के साथ होगा इंशाल्लाह। वो शुरू से ही बेगुनाह है, हम इस चीज़ का आपको बताना चाह रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम यही है कि उन्होंने अगर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया तो वो अपना जो है सिद्ध कर दे, या अगर हमने उनको कहीं पर भी हम लोगों के परिवार में अगर उनको कहीं से भी कोई कॉल्स आई है या किसी माध्यम से डराए गए, वो हमारे लिए इल्ज़ाम सिद्ध करे कि हम लोगों का या कॉल डिटेल है वो निकलवा ले, या न्यायालय से हम तो यही कहेंगे कि भैया जो भी है साफ साफ इसका इंसाफ हो, और अगर वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, हम गलत है तो हमारी डिटेल निकलवाएं, तो पता तो चल जाए कि कौन सही कौन गलत। बुलाने का और आप सबको बताने का और इनके द्वारा बताने का सिर्फ मकसद इतना सा है कि हम स्वयं मांग कर रहे हैं कि जो वो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप की जांच हो, हमारी हर कॉल डिटेल, हमारे परिवार की हर कॉल डिटेल की जांच हो और उनके हर परिवार की कॉल डिटेल की जांच हो। जिस तरीके की वो आरोप लगा रही हैं, जिस प्रकार के वो मीडिया में बाइट दे रही हैं, जिस प्रकार से आगे बढ़कर वो आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं, और ये एक कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। निश्चित तौर पर नजीर फातिमा स्वयं जानती हैं कि जिस जमीन का एक मोहरा बनाकर उन्होंने उनको आगे किया गया है वो किसी ना किसी एक साजिश का हिस्सा है, किसी व्यक्ति का ये एक मोहरा है। और हम सबकी मांग है इरफान के पूरे परिवार की कॉल डिटेल से लेकर हर चीज की जांच की जाए, और वो आगे बढ़कर जैसे आज हम आगे बढ़कर आए हैं कि जो वो आरोप लगा रही है कि धमकी दी जा रही है, एक भी साक्ष्य दें। आज पूरे शहर में ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, हर घर घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर प्रकार का कोई भी साक्ष्य अगर उनके पास है तो वो आगे बढ़कर दें, हम हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं, हमारा इतिहास पूरी तरह से खुली किताब है। अमरोहा के तहसील नौगावा सादात में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि बीकेयू के तहसील अध्यक्ष सुधाकर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पदाधिकारी तहसील परिसर पहुंचे और किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें बीकेयू के जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी दानवीर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया किसानों के मोटरों की लगातार चोरी हो रही है और पुलिस की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। बीकेयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमने पुलिस को 15 दिन का समय दिया है, या तो पुलिस चोरी की घटनाओं का खुलासा करे, अन्यथा हम 15 दिन के बाद थाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारे आज 3-4 मुद्दे मेन थे यहाँ पे। एक तो यहाँ के इस क्षेत्र में जो मोटर की चोरी बहुत है, किसानों के मोटर चोरी बहुत हो रहे हैं आए दिन, लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था, किसानों ने कई बार रिपोर्ट भी करी है। एक गन्ना भुगतान का मामला है, एक यहाँ जो पशु हैं गाय से अलग, यहाँ इस क्षेत्र में महे भी बहुत हैं, वो फसल को बहुत बर्बाद कर रहे हैं, और एक गन्ना भुगतान, इन्हीं चीज़ों को लेकर आज मेन हमारा आज का जो धरना था उसमें हमने अधिकारी बुलाए थे। SDM साहब ने आश्वासन दिया है, जो अधिकारी आज आने से रह गए जिले के टोटल अधिकारी जो इसके होंगे वन विभाग वाले, और उन्हें सबको बुला के चकबंदी वालों को ये एक वार्ता कराएंगे किसानों की, और SDM साहब के आश्वासन पर हमने आज का धरना यहाँ ख़त्म कर दिया।
नालंदा में लोगों ने गांव के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर लगाया है। लोगों का कहना है कि गांव से देवी स्थान तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं बनी हुई है, जिसके कारण शादी विवाह के मौके पर दूल्हा दुल्हन को पैदल ही पगडंडियों का सहारा लेकर देवी स्थान जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में यह समस्या और भी ज्यादा विकराल हो जाती है। सावन के महीने में देवी स्थान पूजा पाठ करने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिसलन भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, पगडंडियों के सहारे मंदिर तक जाना पड़ता है। मामला रहुई प्रखंड अंतर्गत उतरनामा पंचायत का है, जहां दो वार्डों में सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने इस बार वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली के गांव मनौटा की एक घटना सामने आई है, जहां एक 2 साल की मासूम बच्ची को कुत्तों के झुंड ने नोचकर दर्दनाक मौत दे दी। बता दें कि बच्ची को पेड़ के नीचे सोता छोड़कर माँ बाप खेत में काम कर रहे थे। मौके का फायदा उठाते हुए कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया, तो वहीं रोने की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ उमड़ी तो बच्ची के कुत्तों के झुंड से छुड़ाया गया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल में रास्ते में ही मासूम बच्ची की मौत हो गई और परिजनों ने बिना किसी कार्यवाही के ही बच्ची को दफना दिया। अमरोहा जनपद के कस्बा चौकी के मन्नत होटल पर काम कर रहे कारीगर के साथ एक हादसा हो गया, जहां कारीगर की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कारीगर खाना बनाने का काम करता था। बता दें कि शुक्रवार दोपहर को काम करते समय लोहे की टेबल में बिजली का केबल टकराने के कारण वसीम करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। होटल स्वामी ने वसीम की मौत की सूचना उसके परिजनों को दे दी है, तब से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें एन भारत के साथ। नमस्कार।